यहाँ पर एक मस्जिद दिखाता हूँ जो कि बहुत ही पुरानी मस्जिद है और लगभग 800 साल पुरानी दरगाह है और इसकी हिस्ट्री लगभग 800 साल पुरानी बताई जाती है। यहाँ 800 साल से भी ज़्यादा पुराना पेड़ माना जाता है। ये एक 9 गज़ा पीर। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस, आज हम आए हैं थाना भवन के पीर साहब इलाके और यहाँ पर हम एक आपको हिस्ट्रिकल चीज दिखाने वाले हैं जो कि लगभग 800 साल पुराना है। ऐसा बताया जाता है कि लगभग ये दरगाह 800 साल पुरानी है और ये बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्रिकल है। और गाइज, हम आपको बता देते हैं, इसके अंदर एक 9 गज़ा पीर बताया जाता है जो कि इसके अंदर मौजूद है। आज हम आपको इस दरगाह को भी दिखाने वाले हैं और उस 9 गज़े पीर को भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए, फाइनली हम इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि आपको यहाँ पर कितनी पुरानी दरगाह है और कितना हिस्ट्रिकल यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भी दिखाएंगे। गाइज, यहाँ पर बताया जाता है कि एक लगभग 800 साल पुराना यहाँ पर एक पेड़ भी है जो कि बरगद का पेड़ है, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो जो फाइनली मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये सामने हमारे पीर साविलात दरगाह है और अब हम इसके अंदर जाकर आपको वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे और सारी चीज़ों को आपको दिखाएंगे कि 9 गज़ा पीर है और जो यहाँ पर हजरत साहब विलायत पीर साहब हैं उनकी आपको मज़ार भी दिखाएंगे और भी बहुत सारी हिस्ट्रिकल चीज़ें हैं उनके बारे में बताएंगे। तो फाइनली आपको अंदर लेकर चलता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया नंगे घोड़ों दरगाह के अंदर न जाएं। इसका मतलब गाइज यह है कि आप कोई भी कैपरी वगैरह में दरगाह के अंदर एंट्री ना करें, क्योंकि यहाँ पर आप एक अदब की जगह है और अदब करना चाहिए सारी चीज़ों का। तो चलो, फाइनली अंदर लेकर मैं आपको चलता हूँ। तो गाइज, अभी हम अंदर दरगाह के अंदर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बैठने की जगह है, एक आरामगाह की जगह है, इसको मजलिस खाना बोला जाता है। यहाँ पर जो भी उर्स वगैरह लगता है और उस उर्स के अंदर जो आदमी आते हैं वो यहाँ पर आराम कर सकते हैं। तो चलो, फाइनली मैं आपको एक बार दरगाह के अंदर से दिखा देता हूँ। तो गाइज, यह है हजरत शाह शमसुद्दीन पीर साहिबिलात चिश्ती। ये लगभग 800 साल पुरानी दरगाह है और इसकी हिस्ट्री लगभग 800 साल पुरानी बताई जाती है। यहाँ से हमने कुछ लोगों से पूछा था और कुछ लोगों से हमने यहाँ पे बात की थी, उन्होंने बताया था कि ये लगभग 800 साल पुरानी है। तो चलो, फाइनली मैं आपको एक बार इसके अंदर लेकर चलता हूँ। गाइज, फाइनली आप देख सकते हैं हजरत शाह शमसुद्दीन पीर साविलाद साहब चिश्ती और ये प्रबंधक हैं अरशद जमाल सिद्दीकी। तो यहाँ के ये प्रबंधक हैं। और तो चलिए, एक बार मैं आपको गेट खोलकर अंदर का दिखा। तो गाइज, मैं आपको एक बार अंदर से दिखा देता हूँ। तो गाइज, फाइनली हमें बताया जाता था, बताया गया है कि यहाँ पर ये 800 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये दरगाह है और मैं आपको एक बार चारों तरफ से इसको दिखा देता हूँ। और इसका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, इसके चारों तरफ कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान की भी चारों तरफ से ये बाउंड्री है। एक तरह से बाउंड्री है और बाउंड्री के अंदर ये कब्रिस्तान है। तो गाइज, फाइनली मैं आपको अब एक 9 गज़ा पीर दिखाता हूँ। तो गाइज, एक 9 गज़ा पीर है। बताया जाता है कि ये एक तरह से इसके अंदर 3 कब्रें हैं और ये इसे 9 गज़ा पीर बोला जाता है। इसकी चारों तरफ से रेलिंग है और मैं आपको एक बार चारों तरफ से दिखा देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे जो प्रबंधक हैं उनसे हमने बात की थी, उन्होंने हमें बताया था कि ये एक 9 गज़ा पीर, ये भी एक 800 साल से भी ज़्यादा पुराना पीर है। तो गाइज, यहाँ पर ये चिराग वगैरह इस पर जलाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी अगरबत्ती वगैरह जलाकर
रखी हुई हैं और यहाँ पर बहुत सारे चिराग भी रखे हुए हैं। तो गाइज इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक मस्जिद दिखाता हूँ जो कि बहुत ही पुरानी मस्जिद है और वो भी हजरत शाह शमसुद्दीन शाह विलायत के नाम से मौजूद है। तो गाइज फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मस्जिद है जो कि शाह विलायत के नाम से मस्जिद है और उसके बराबर में एक हुजरा है, उस हुजरे को भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर पहले कभी बताया जाता है कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर इबादत किया करते थे। तो इस पर लिखा हुआ भी है जिनको हकीमुल उम्मत के नाम से जाना जाता है। तो एक तरह से ये यहाँ पर लोग नफिल वगैरह पढ़ते हैं। यहाँ पर एक जानमाज भी अंदर इसमें बिछी हुई है। ये देखने में बहुत छोटी जगह है लेकिन काफ़ी पुरानी है। तो गाइज ये हमने शुरू में बताया था ये एक आरामगाह की जगह है और यहाँ पर कुछ ये इतर वगैरह भी बेचते हैं और यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा है। अभी लगभग मैं आपको यहाँ से बाहर लेकर चलता हूँ और बाहर एक बार आपको वो हिस्ट्री पेड़ दिखाता हूँ जो कि 800 साल से भी ज़्यादा पुराना यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है। उस पेड़ को मैं आपको दिखाऊंगा। वे पेड़ जो आपस में दो जॉइंट हैं वे मैं आपको बाहर लेकर चलता हूँ। तो गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका एरिया बहुत बड़ा है और बाहर भी इसके अंदर कब्रिस्तान है। यहाँ पर इसके अंदर जो मस्जिद है उसके यहाँ पर वजू करने के लिए वजू खाना बनाया गया है और यहाँ पर अभी वर्किंग प्रोग्रेस यानी कार्य चल रहा है और यहाँ पर अभी जो कार्य है वो लगभग कुछ ही दिनों के अंदर बताया गया है कि पूरा हो जाएगा। तो चलिए फाइनली मैं आपको वो पेड़ दिखा देता हूँ जो आपस में जॉइंट है और बहुत ही ज़्यादा पुराना पेड़ है। तो चलिए मैं आपको एक बार उस पेड़ को दिखा देता हूँ। तो गाइज ये है वो पेड़ जो कि मैं आपको बता रहा था कि ये 800 साल से भी ज़्यादा पुराना पेड़ माना जाता है। तो गाइज फाइनली मैं आपको एक बार आपस में दिखा देता हूँ कि ये जॉइंट कहाँ पर है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये यहाँ से स्टार्ट होता है और इसके बाद ये यहाँ पर आकर जॉइंट हो जाता है और इसके बाद गाइज ये यहाँ पर दूसरा पेड़ है। इस दूसरे पेड़ को भी मैं आपको एक बार चारों तरफ से दिखा देता हूँ और दिखा देता हूँ कि ये पेड़ कितना बड़ा है। तो गाइज मैं आपको पेड़ की दूसरी तरफ जाकर दिखाऊंगा कि ये बरगद का पेड़ बहुत ही पुराना है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। तो गाइज आप देख सकते हैं इसकी चारों तरफ इसकी जो है ना एक तरह से बताया जाता है कि जड़ें निकल गई हैं। तो गाइज ये पेड़ आपस में ऊपर से जॉइंट है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। गाइज हमने आपको दिखाया हजरत शाह विलायत और पीर शाह विलायत के नाम से जाना जाता है। हमने इसके बारे में आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया, लगभग 800 साल पुराना पीर है। और गाइज आज का था ये व्लॉग, आज की थी ये वीडियो। अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही व्लॉग के साथ फिर कभी।